लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय ने एनआरसी एनपीआर को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। अरुंधति रॉय ने कहा है कि सरकार एनआरसी डिटेंशन कैंप के मुद्दे पर झूठ बोल रही है। पीएम मोदी ने भी इस विषय पर देश के सामने गलत तथ्य पेश किए हैं। जब कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं तो इन छात्रों को अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। इसी के साथ अरुंधति ने यह भी कहा कि नागरिक जनसंख्या रजिस्टर पर एनपीआर भी एनसीआर का ही हिस्सा है। छात्रों का कहना है कि एनपीआर के लिए जब सरकारी कर्मचारी जानकारी मांगने आपके घर आए तो उन्हें अपना नाम रंगा बिला बताइए, अपने घर का पता देने के बजाय प्रधानमंत्री के घर का पता लिखवाए। तो अरुंधति रॉय का बड़ा बयान सामने आया है, एनआरसी डिटेंशन कैंप के मुद्दे पर झूठ बोल रही है सरकार, ऐसा अरुंधति रॉय का कहना है। एनपीआर पर अरुंधति रॉय का विवादित बयान। ये दो कानून सीएबी और एनआरसी से वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का कमर तोड़ने चाहते हैं। पहले सीएबी लाया और लोगों को ऐसे समझाने की कोशिश करें कि ये सिर्फ माइग्रेंट्स के इशू है। अगर सिर्फ माइग्रेंट्स के इशू है तब भी ये मुसलमान के